यूपी के हाथरस जनपद की थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफल हुई, जहां पुलिस ने उनके पास से लूट की नकदी और आभूषण के साथ साथ मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किया है। दरअसल 24 जून को थाना क्षेत्र हाथरस गेट क्षेत्र के ग्राम जोगिया के पास हरिओम नामक सोनार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों की धर पकड़ के लिए एक टीम बनाई गई और पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान हमवीर से, नंदकिशोर और भूपेंद्र से उर्फ भोला नामक तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई और इसके अन्य घटनाओं की जानकारी जुटाकर इनके बाकी के साथियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पेश है हमारे हाथरस के संवाददाता मुस्तकीम अली की यह खास रिपोर्ट। देखिए, जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन लुटेरों द्वारा दिनांक 24 जून को थाना हाथरस गेट क्षेत्र में शाम को घर लौटते वक्त एक सुनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इन अभियुक्तों के कब्जे से लूटे हुए सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये कैश जो इन्होंने सुनार से लूटे थे वो भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित का मोबाइल फ़ोन लूटा गया था वो भी इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुआ है और एक सीडी मोटरसाइकिल जो घटना में इनके द्वारा प्रयोग की गई थी वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा तमंचा खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।